मेरा नाम है बबिता वर्षोशन। वेलकम बैक टू ब्राइट बाबा। तो रियलमी इस बार एक के बाद स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहा है। वो मई में नार्ज़ो और 10 सीरीज लॉन्च हुई, जिसके बाद हमें सी सीरीज के स्मार्टफोन्स देखे एंड ऑन टॉप ऑफ इट रियलमी 7 सीरीज का लॉन्च भी देखा। इतने लॉन्चेस की आई हैव लॉस्ट काउंट एंड आई थिंक रियलमी को भी लगा कि शायद ऑडियंस नार्ज़ो 10 सीरीज को भूल गई है, इसलिए उन्होंने लॉन्च कर दी नार्ज़ो 20 सीरीज। जी हाँ, ये सीरीज लॉन्च हो गई है। तीन वेरियंट्स लॉन्च हुए हैं, नार्ज़ो 20A, नार्ज़ो 20 एंड नार्ज़ो 20 प्रो। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिड वेरियंट यानी कि नार्ज़ो 20 का कैमरा रिव्यू। और अभी ये वीडियो भी उसी फोन से रिकॉर्ड हो रही है 1080p 60fps रेजोल्यूशन में। एंड गाइस, लेट्स विदाउट एनी फर्दर एडो स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। Realme Narzo 20 के कैमरा स्पेसिफिकेशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, वेरियस मोड्स एंड कैमरा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कैमरा सैंपल। गाइज, द फर्स्ट शॉट इज द रियर पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पर आप देखेंगे काफी बेहतरीन शॉट आया है। हैंड्स के अराउंड देखें या मेरे हेड के अराउंड या एवरीवेयर अराउंड मी, द एज डिटेक्शन इज ब्रिलियंट। बैकड्रॉप भी काफी एफिशिएंटली ब्लर किया हुआ है, हल्का सा एग्रेसिव ब्लर कह सकते हैं, बट ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इफ़ यू वांट टू कीप इट सटल तो आप सटल कर सकते हैं, या ज़्यादा ब्लर चाहिए तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आई क्वाइट लाइक दिस शॉट। 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड मोड टेक्स फुल रेजोल्यूशन पिक्चर्स और नार्ज़ो 20 से लिया गया ये शॉट इज अ सुपर प्रिटी वन। तो काफी ब्राइट सनी सिनेरियो था, फिर भी इमेज अच्छे से कैप्चर हुई और वॉश्ड आउट नहीं लग रही है एंड इट इज अ बिग रिलीफ। जूम करने पर देखेंगे सेंटर में जहाँ फोकस था तो इट सीम्स गुड, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ डिटेल लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर देखिए स्लाइटली डार्क एरिया भी है, तो मे बी इसकी वजह से। वेल, इट ऑल्सो गिव्स अस अ हिंट अबाउट द नाइट शॉट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑल्सो एक्सट्रीम जूम करने पर डिटेल्स थोड़ी वीक होंगी, बट आई विल पास। नॉर्मल शॉट मैंने इवनिंग में लिया ऑफ द सेटिंग सन एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल साइट टू सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। और अब नार्ज़ो 20 के 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर से लिए गए शॉट पर आए तो काफी सुंदर शॉट था। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि जो कलर्स थे सिनेरियो के, दे आर क्लोजर टू रियलिटी। हल्का सा सन सेटिंग सिनेरियो था इसलिए लाइट कम है, बट द ऑरेंज कलर इन द स्काई या ग्रीन कलर ऑफ द ग्रास एंड ट्रीज अराउंड इज कैप्चर्ड ब्यूटीफुली। इवन इन द रिफ्लेक्शन और द शेडोज आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। साथ ही जूम करने पर डिटेल्स देखें तो काफी शार्प एंड फोकस्ड है, हल्की सी नॉइजी या ग्रीनी हो जाएंगी अगर आप ज्यादा जूम करेंगे, बट ओवरऑल आई लाइक इट। वाइड एंगल शॉट की बात करें तो जैसा हम हर बार करते हैं सेम प्लेस एंड सेम शॉट, वही हमने इस बार भी किया है। बात करें एरिया कैप्चर की, जो मेन पर्पस होता है वाइड एंगल शॉट का, तो वो काम बखूबी हुआ है, बट डिटेल्स जो है ग्रीनी हो जाती हैं जूम करने पर। आप सामने जब चेन्स या वाइट पोल्स पर जूम करेंगे तो देख सकते हैं, बट ये जायज भी है क्योंकि 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है एज अपोज टू द 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। कलर स्कीम देखें तो क्लोजर टू रियलिटी है, हल्का सा अंधेरा भी एविडेंट है एंड ओवरऑल अ सैटिस्फैक्ट्री शॉट। अगर आप भी एलिमेंट्स नियर एंड फार कैप्चर करने के शौकीन हैं तो जूम के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, और इसे टेस्ट किया हमने द वर्ल्ड फेमस इंडिया गेट पे। वेल, नॉर्मल शॉट में द सैंपल एट फर्स्ट ग्लांस लुक्स रियली गुड, बट मुझे हल्की सी नॉइज लग रही है ऑन जूमिंग और बेहद हल्की सी सैचुरेशन भी। अगर आपको भी लग रही है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अब 2x पर आए तो थोड़ा सा करीब पहुंच गए हैं हम इंडिया गेट के, डेफिनेटली, एंड आई अप्रूव ऑफ दिस शॉट, आई विल टेल यू व्हाई। आप जूम करेंगे तो देखेंगे कि डिटेल लॉस या ग्रेनी इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम है। इवन द बैरिकेड्स, लैम्प्स या ऑटोज लुक प्रिटी शार्प एंड फोकस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो काफी अच्छा 2x शॉट आया है। 5x जूम यूज करने पर पिक्सलेट हो गई है पिक्चर, एंड वहीं ऑटोज और बैरिकेड्स पे जूम करेंगे तो ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट कहें या डिटेल लॉस, इट इज एविडेंट फॉर श्योर। But the object in this case, जो कि India Gate, is still decently sharp. And मुझसे पूछें तो ऐसी इमेज भी आप normally use कर सकते हैं या अपने social media के लिए भी use कर सकते हैं। HDR की बात करें तो जब भी आप HDR फीचर यूज करते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा टू कैप्चर फार मोर डिटेल्स जो आपको एक नॉर्मल पिक्चर में देखने को नहीं मिलेंगी। अब HDR ऑफ शॉट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि द ट्रीज, बोट्स या वाटर, एंड टू बी ऑनेस्ट सब कुछ जो है बड़ा ब्राइट है बट बड़ा लाइफलेस, ब्लैंड सा लग रहा है, वन टोन सा लग रहा है, कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही है।
वही HDR ऑन करते ही काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। द पिक्चर डार्कन्स अप एंड हैज डेप्थ एंड शैडोज। पानी में शैडोज पे जूम करें या कलरफुल बोट्स पे या नीचे घास पे या ऊपर ट्रीज पे, जो डिटेल्स हैं आर वे मोर शार्प देन इन द नॉर्मल पिक्चर। सो काफी अच्छा HDR शॉट आया है। Realme Narzo 20 में Chroma Boost का फीचर भी दिया गया है। ये फीचर यूज करने पर एक विजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है ऑन एंड ऑफ सिनेरियो में। नॉर्मल पिक्चर ब्राइट सनी सिनेरियो की एंड एवरीथिंग इज विजिबल, बट मोनोटोन सा लग रहा है। वही Chroma Boost ऑन के साथ ली गई पिक्चर में यू कैन सी द शैडोज आर डार्क, द कलर्स आर ब्राइटर एंड डार्कर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव दिस ग्रेविटी एंड ये पिक्चर इज डेफिनेटली गोइंग ऑन माय इंस्टाग्राम। अब आते हैं अल्ट्रा मैक्रो शॉट पे और यहाँ लगी मुझे थोड़ी सी गड़बड़। सो इट्स अ डिसेंट शॉट बट ये और भी अच्छा हो सकता था। तो ये डिटेक्ट कर लेता है मोस्ट ऑफ द पेटल्स वेल और अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी वेरी मच विजिबल हैं, डिटेल्स भी हैं, बट द शार्पनेस इज मिसिंग। एज डिटेक्शन अराउंड द पेटल्स एंड ओवरऑल कुड हैव बीन बेटर। माई क्लोज अप शॉट हाउ एवर सीम्स टू बी रियली गुड। एक तो आई लव दिस फ्लावर एंड इसका कलर, वेल जहाँ टैप करके फोकस किया था मैंने वहाँ द पेटल्स आर डिटेक्टेड एंड डिटेलिंग इज गुड, बट जो उसके सराउंडिंग फ्लावर्स के पेटल्स हैं वो ब्लर हो गए हैं। जूम करने पर भी सम पेटल्स आर परफेक्टली विजिबल बट कहीं कहीं पर ब्लर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि कलर स्कीम जो थी वो काफ़ी अच्छी थी एंड ऑन पॉइंट। अब आते हैं हमारे फेवरेट पार्ट सेल्फीज पर। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। अब ये देखो सब्जेक्टिव चीज है पर मैं हमेशा बता देती हूँ कि मुझे सैचुरेटेड पिक्चर्स नहीं पसंद, ये ज्यादा AI इफेक्ट्स वाली सेल्फीज आई डोंट प्रेफर, इसलिए मैंने ब्यूटी मोड को बिल्कुल ऑफ करके क्लिक की है सेल्फी। वही सेल्फी पोर्ट्रेट पहली नजर में काफी बढ़िया लगेगी, एज डिटेक्शन सही है, शोल्डर्स या हेड के राउंड या हेयर के राउंड, बैकड्रॉप इज ऑलमोस्ट ब्लर्ड, बट जूम करने पर फैंस के पास एक अजीब सा स्पॉट आया है, आई डोंट नो व्हाई। और सैचुरेशन थोड़ा सा ऑरेंजिश टिंट यहाँ भी देखने को मिलेगा। वीडियोस तो ऑफ कोर्स हमने बनाई होंगी, इनफैक्ट ये सारा कैमरा रिव्यू ही Narzo 20 से शूट किया गया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इंडिविजुअल हर रेजोल्यूशन की वीडियोस आर कमिंग नेक्स्ट, ऑल्सो सेल्फी वीडियो भी, बिकॉज वेल वी आर अ व्लॉगिंग जनरेशन, aren't we? So this video we are shooting from the rear camera 1080p 60fps के resolution में। आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन लुक्स फाइन बिकॉज आई एम वॉकिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग एंड ऑल्सो मैंने कोई माइक यूज नहीं करा है, तो आप साउंड क्वालिटी भी देख सकते हैं। मैं बार बार ये मेंशन इसलिए करती हूँ कि जब हम नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं तो वी डोंट यूज अ माइक, वी डोंट यूज एनीथिंग बट द डिवाइस ऑडियो, तो आप डिवाइस ऑडियो भी देख सकते हैं। कलर्स हल्के से सैचुरेटेड है बट दे लुक रियली फाइन। ऑल्सो आई शुड मेंशन कि डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है इस वीडियो में, सो यू कैन ऑल्सो लुक एट द डिटेलिंग जूम कर। और मैं आपको बता दूं कि 1080p 60fps इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन Realme Narzo 20 में जो आपको मिलेगा। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 1080p 30fps में, तो 1080p 60fps की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन तो ऑफ कोर्स होगी। डिटेलिंग में जब आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिटेल लॉस का थोड़ा सा इशू आएगा 1080p 60fps के कंपैरिजन में, बट अदरवाइज द वीडियो इज स्टिल फाइन। यू कैन लुक एट द स्टेबलाइजेशन एंड देयर इज नो माइक ऑफ कोर्स, दिस इज डिवाइस ऑडियो। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हल्की सी सैचुरेशन है, बट जैसे कि मैंने कहा कि इट वोंट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। फ्रेम रेट में हालांकि थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस 60fps और 30fps में, बट दैट इज गिवन राइट। तो गाइज ये वीडियो मैं बना रही हूँ फ्रंट शूटर से, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया Realme Narzo 20 में और 1080p 30fps के रेजोल्यूशन में ये वीडियो शूट हो रही है विदाउट अ माइक, दिस इज द डिवाइस ऑडियो एंड आई मस्ट से दैट आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन है, कलर भी अच्छे आ रहे हैं, थोड़े से सैचुरेटेड हैं बट दे ऑल्सो मेक इट लुक रियली गुड। अभी मैंने ब्राइट सनलाइट में भी वीडियो ली तो आप देख सकते हैं कि कैसे काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ रही है एंड आई एम ऑल्सो वॉकिंग, सो स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, फ्रेम रेट भी काफ़ी अच्छा है। आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द सेल्फी वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको कैसी लगी। लो लाइट सेल्फीज पर आए तो हमने फ्लैश ऑफ एंड फ्लैश ऑन दोनों सिनेरियोस में फोटो क्लिक की थी। अब फ्लैश ऑफ की पहले बात करें तो विजिबल ब्लर और डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं चाहे टुवर्ड्स द हेयर या फेस, वही फ्लैश ऑन करने पर इट ब्राइटन्स अप वेल बट जस्ट द फेस, हेयर जो है वो अभी भी स्लाइटली ब्लर्ड है। सो डिसेंट लो लाइट सेल्फी बट इट कुड हैव बीन बेटर।
वहीं नाइट मोड ऑन एंड ऑफ की बात करें तो नॉर्मल नाइट शॉट इज डिसेंट, जहां पर नवेद्यम जो आप देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है इज विजिबल, सो आर द लीव्स, बट नाइट मोड ऑन करते इट बिकम्स अ वेरी लिट अप सिनेरियो, जहां बोर्ड पर लिखा हुआ नवेद्यम और भी ज्यादा विजिबल हो जाता है प्रोमिनेंटली, और लीव्स भी आप अलग से देख सकते हैं आर एविडेंट, एंड गिवन द प्राइस रेंज ऑफ नार्जो 20 आई श्योर एज हेल लाइक इट. वर्डिक्ट की बात करें तो वेल बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एंजॉयड रियलमी नार्जो 20's कैमरा, काफी सारी अच्छी चीजें देखने को मिली जैसे कि रियर पोर्ट्रेट शॉट या 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड मोड शॉट, HDR ऑन एंड ऑफ विच आई कम्प्लीटली लव्ड, 2x एंड 5x जूम विच वॉज गुड टू. वीडियो क्वालिटी की बात करें तो रियर वीडियो हो या सेल्फी वीडियो, यहाँ भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली. इनफैक्ट इस बार नाइट मोड भी काफी सही था, वही लो लाइट सेल्फी, अल्ट्रा मैक्रो या सेल्फी पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स डू नीड सम इम्प्रूवमेंट, बट ओवरऑल अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से नार्जो 20 डिड अ प्रीटी गुड जॉब. तो गाइस दिस वाज द कैमरा रिव्यू ऑफ रियलमी नार्जो 20. हमने ये पूरी वीडियो रियलमी नार्जो 20 से ही शूट की है 1080p 60 fps में, एंड ऑल्सो मैंने आपको इसके सारे कैमरा फीचर्स दिखाने की कोशिश की है. तो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एज आई ऑलवेज से यू नो द ड्रिल, एंटिल देन दिस इज बाय बाय. बाय.